नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, टॉपिक है अब तो मान जा। अब तो मान जा यार, हम मनुष्यों के जीवन में बड़ी भारी समस्या है, हम ना मानते नहीं हैंगे। हम हर चीज में ना बेफालतू का युद्ध करते रहते हैं और मानते नहीं है जो परमपिता चाहता है। बताओ, मुझे किसी ने कल मैसेज करके पूछा कोई सेटिंग वेटिंग के बारे में क्लास है क्या, कोई मानता नहीं है क्या। उत्तम विचार देखिए, उत्तम विचार। अब तो मान जा, हम लोग मानते नहीं है। कौन है जो हमारे अंदर मानता नहीं है? कोई है जो ना माने। जो ना माने वो एक्चुअली ना जाने। हमारे जीवन के दुख इसलिए नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। हमारे जीवन के दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर आपने इच्छाएं कर रखी हैं तो आप सदैव दुखी रहेंगे। आपके पास बड़े से बड़ी गाड़ी हो, बतेरा पैसा हो, बंगला हो, संतान हो, कुछ हो, उससे दुखी रहेंगे क्योंकि आपके पहले विवाह नहीं हुआ। आपको विवाह चाहिए, इच्छा पूरी हो गई, आवश्यकता बनी, अब और इच्छा, संतान, चलो आवश्यकता है पूर्ण। अब वो बच्चा हमारे हिसाब से रोबोट की तरह चले। हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। आज हम स्पिरिचुअल बातों में लगे हैं कि हम स्पिरिचुअल बातों की बातें करें। अब स्पिरिचुअल बातें हैं क्या? ये स्पिरिट की बातें हैं। स्पिरिट मानता कौन नहीं है? मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और यही जीवन का दुख है। अपने जीवन में बड़ी बोरियत सी महसूस होती है अगर सब कुछ एक्सेप्ट कर ले। क्या है यार, फिर रह क्या गया सारा लाइफ में है? सब कुछ हो गया, बढ़िया, अब क्या करें यार? पार्टी करो यार, पार्टी कितनी करें, अलग अलग किस्म की करो, ये भी कोई बात हुई। पहले थोड़ी टेंशन चाहिए, फिर थोड़ा दुख सा लाते हैं हम, उसके बाद दोबारा से उस दुख से निजात पाते हैं। पहले हम इच्छाएं करते हैं बड़ी बड़ी, विकराल विराट, बहुत बड़ी बड़ी, यार बहुत सारा कुछ हो। ऐसे लोग देखे मैंने जिनके पास जीवन के अंदर बतेरा पैसा है, बतेरा पैसा। मांगेराम के पास 1 लाख रुपया था, मांगेराम के पास 10 लाख आ गया, फिर 1 करोड़ आ गया, अब इसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बड़े मजे में चला। समय की धारा देखिए, बड़ा सुखी हो गया यार, ठीक है यार, आवश्यकताएं पूरी है, इच्छाएं पूरी हैं, सब सही चल रहा है। अब इच्छा हो गई 5 करोड़ की, यार ये भी आ गया, 5 करोड़ आ गया। अब देखो स्यापा, जिंदगी देखिए कितनी मजेदार और मधुर है। 5 करोड़ आने के बाद इसने कहा यार आवश्यकताओं से ज्यादा आ रहा है, तो इसने क्या किया, लोन पे लोगों को देना शुरू कर दिया। भाई ब्याज आएगा, एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे, मजा आएगा। फिर मांगेराम के 3 पार्टियों के पास ABC 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख फंस गए। अच्छा, इसको अपने तौर पे कोई कमी है नहीं, लेकिन ये रकम फंस गई। अब ये उनसे भीख मांगता फिर रोज, भाई मेरे पैसे दे दो, भाई ये कर दो, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, और इसकी रातों की नींद हराम हो गई। अगर इसके पास 1 करोड़ रहता तो ये बड़ा सुखी था, लेकिन क्या करें, 5 करोड़ चाहिए, और 5 करोड़ का करना क्या पता नहीं है, कोई पता नहीं है। रिसेंटली मेरे एक जानकार है मित्र, उन्होंने बिजनेस किया, 2 करोड़ रुपए लगा दिए। उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाया बिजनेस में, और एक पार्टनर बनाया बिजनेस, और एक पार्टनर बनाया बिजनेस संभालने के लिए। अब वो बंदा बिजनेस संभाले कैसे, उसके पास बतेरा पैसा, उसने 2 करोड़ एक्स्ट्रा निकाल दिए कि भाई अब तू संभाल ले। 2 साल तक वो बंदा 4 लाख रुपए महीना उनको देता रहा। अपनी पार्टी है भाई, मजा आ रहा भाई, अपने कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में मोटे तौर पर रकम बोल रहा हूं मैं, ऐसे टाइम भी अंदाजे से 1.5 करोड़ रुपए वापस आ गए। उन्होंने कहा मजा आ यार, 2 करोड़ अपनी जगह खड़े। अंतिम समय की बात यह हुई कि बंदे ने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई, बिजनेस में फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, और 50 लाख रुपए दमे। अभी जो मूल रकम 2 करोड़ लगाई थी उसमें से 50 लाख और आने थे। उस बंदे ने 2 करोड़ में से ही धीरे धीरे करके उसके पैसे उसे लौटा दिए, और खुद क्या खाया, नहीं खाया, क्या नहाया, भगवान जाने, उसने हाथ खड़े कर दिए, नमस्ते। अब उनकी जिंदगी में नर्क हो गया। यार मैं क्या करूं भाई, 50 पेटी फंसी, पेटी फंसी, फिर सीधा पेटियां फंसी। मैंने बोला इतने सुखी थे, आपको चैन नहीं पड़ा? यार आपकी बात समझ नहीं आती, एक तो पहली बार में। मैं कहा भाई छठी में रख लो, कितने में समझ नहीं है, मानो लालच क्यों कर रहे हो। अब उनके 50 लाख में उन्हें बीपी दे दिया जो कहीं था ही नहीं। इतने सुख चैन की जिंदगी थी, ये एक्स्ट्रा ने मार दिया। यानी कि एक बहुत बड़ा लफड़ा भाई, एक्स्ट्रा आता तो बहुत लोचा है। अब उन्होंने कहा यार चेक रखे, ये रखे, वो रखे, मैंने पैसे निकालने, कैसे निकालू? तो मैंने रास्ता बताया, भाई ऐसा करो उन पे केस कर दो यार, यार वकील इतने पैसे खा जाएंगे मेरे, तो 2 करोड़ में से भी घट जाएगा। मैंने कहा यार कमाल है, अब 50 लाख आपको निकालना है, उसके लिए 1-2 लाख फूंक दो, नहीं तो 50 तो गया। बोले यार बड़ा जिक्र में, बड़ा कलेजे में कटाव सा हो रहा है, बड़े छिलनी हो रहा हूं मैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा बस अब एक नई प्रॉब्लम और स्टार्ट कर लेना थोड़े दिनों में, और किश्तों में मरोगे आप। जब मौत लिखी होगी तभी, लेकिन आप किश्तों की तैयारी करे बैठे हो। एक बड़ी अजीब समस्या होती है, हमें कहीं किसी से धन रिकवर करना हो ना, तो हम खर्चा करके राजी नहीं। पहले ही साहब यार 50,000 तो इसके पास पड़े ही है, 5,000 और खर्च दूं, 55 हो जाएंगे। खर्च दो, कोटे में से है 45 मिलेंगे आपको, देखो 50 नहीं मिले, ये 50 आपको नहीं मिल रहे। ये क्यों नहीं मिल रहे? कॉस्मोस की इच्छा नहीं मिलेंगे। हो सकता है 49 मिल जाए, हो सकता है 45 मिल जाए, हो सकता है 40 मिल जाए। आप खेलते रहो, हो सकता है 25 मिल जाए, तो आप बराबर के बराबर कुछ तो लगाओ। अब आप लगा नहीं रहे हो, अब ये और जलन है। हमारे जीवन में हमें ये मान जाना चाहिए हम सुखी हैं, हमें ये जान जाना चाहिए हम सुखी हैं, और सुख की एक परिभाषा और लिमिट बांध लें, बहुत अच्छे जीवन है। रिसेंटली एक बालिका से मिला मैं, आई बहुत साल से आती है, विवाह नहीं करना चाहती, उसने बिल्लियां पाली हुई है, बिल्लियों के साथ बहुत सुखी है। तो बोली कि मेरी सारा आप शादी करा दो। मैंने कहा यार तू संत सनातन मतलब साधु है तू, तो कहाँ शादी? बोले ऐसा लड़का अरेंज करो जिसको मेरी कोई जरूरत ना हो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहते दुनिया ने खून पी रखा मेरा, बोल बोल के शादी कब होगी बेटा, तेरी शादी कब होगी बेटा, बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े 40+ होती चली जा रही, 50 हो जाएगी। कहती मैं पहले खुश हूं, किसी को समझ क्यों नहीं आता, मैं खुश तो हूं। तो बोले अचरज होता है लोगों को, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, यानी कि मुझे दुखी होना जरूरी है, शादी के जंजाल में फंस के बच्चे पैदा करने, स्यापे करने। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा फिर कैसा लड़का चाहिए? बोले मुझे ना ऐसा अरेंज करा दो जो दिल्ली से बाहर ही रहता हो, बस लोगों को पता हो, फोटो खिंचवा लेंगे हम, थोड़ी सी फेसबुक पे डाल देंगे, और कोई दिक्कत नहीं, तंग करने ना है, मैं अपनी बिल्लियों के साथ सुखी हूँ। बड़ी रजी हुई बात की उसने। मैंने कहा भाई कोई और महत्वाकांक्षा? सुखी तो है। मैंने कहा वाह यार ज्ञान दे गई, कमाल की बात है, ऐसे सुखी होने का क्या स्वाद है। बोले मैं खाती हूँ पीती हूँ, अब मैं उसके पोतले धोऊं, उसकी रोटियां बनाऊं। मैंने कहा फिर अपना खाना? बोले कुक आ जाता है तो ठीक है, नहीं आए तो ऐसी तैसी, जोमेटो जिंदाबाद। खत्म, सारी ऊर्जा इसमें लगा रखी है कि मैं संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। मैंने पूछा बोर होती हो? बोले आप बोर होने का देते हो, आपके क्लासेस के साथ माथा मार मार के फालतू में ज्ञानी हो जा रही हूँ, बल्कि लगता है इल्जाम आपका ही है जो आपने मेरी लाइफ ऐसी कर दी। कहीं ना कहीं जाके आपने अपने मन में यदि सुख ढूंढ लिया तो बस अब सुखी होने की देर है, कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा के लोभ लालच में हम मरते चले जाते हैं, औरों के स्यापों में लफड़े बढ़ते चले जाते हैं। हमारे जीवन में मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, यही दुख है। अब मजे की बात, मैं कौन है? मुन्ना, मुन्ना का भाई छैनू। इसके मन में यह होता है कि मैं करता हूं। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कर्ता भाव छुड़ाने के लिए बातचीत कही है कि यार मैं कर रहा हूं। अर्जुन बेचारा बेचारा बन के बैठ गया। एक एक्सेप्टेंस ऐसी भी होती है जिसमें मनुष्य बेचारा बन जाता है। मैंने स्वीकार लिया, मैंने सब स्वीकार लिया, यार मेरे को नहीं पता, मेरा भाई है ये, पिता मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, यार आई एम हैप्पी, मुझे 5 गांव भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं यार, मैं जंगल में चला जाऊंगा। अब देखें कुछ एक्सेप्टेंस ऐसी भी करते हैं हम जिसके अंदर हम अपने जीवन में हारे हुए होते हैं। हारा हुआ व्यक्ति सिचुएशन को अवॉइड करता है। अवॉइड करने वाले व्यक्ति अक्सर क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं। बिल्ली को अंगूर तक छलांग, लोमड़ी थी यार, बिल्ली कहां से यार, मौसी, बिल्ली मौसी होती है। लोमड़ी को छलांग मार मार के टांगे टूट गई, घुटने छिल गए, मुंह के ऊपर खरोंचे आ गई, अंगूर तक मुंह नहीं पहुंचा। अब पूरे जंगल में पूछा भाई कैसे लगे अंगूर? खट्टे हैं, खट्टे हैं, बेकार, मैंने देखे हैं, बेकार, यूजलेस, कोई मत जाना। तो मैं ये एक्सेप्ट कैसे करूं कि अंगूर मेरे पल्ले नहीं आए? बड़ी शर्म आती है हमें भी कहने में कई बार, यार ये काम मुझसे हुआ नहीं। हम कहते हैं बेकार है यार, सही नहीं है, इस काम में ही रखा है, धरा ही कुछ नहीं भाई, बेकार है। जहां जहां हम फेल होते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते, यार मेरे बस की नहीं, हम उल्टा उसी गो में मरे जाते हैं और उस चीज की बदनामी कर देते हैं, कहते हैं खराब है। जब भी दो लोगों की लड़ाई है हमेशा दूसरे को हम ब्लेम मार देते हैं। ये हमारे अंदर विशेष कमी है क्योंकि अपने मैं को जिंदा रखते हैं। मुन्ना छैनू बहुत नीचे के तल पे रहते हैं, ये बहुत नीचे के तल पर जब ये रहते हैं और हम इनसे जुड़े हैं तो मैं भी वहीं रहता हूं। मैं कौन हूं? चेतना स्वयं। अब स्वयं नीचे के तल पे काम कर रहा है तो षड्विकार के साथ जीवन जिएगा और शरीर की ऐसी तैसी करेगा, आए हुए धन को भोग नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे हमने खास जिंदगी में धन कमाया नहीं। आपके इन ज्ञान की बातों का फायदा क्या है? इन बातों का यह फायदा है कि आपको नुकसान नहीं होगा। ये ध्यान से पकड़िए, कई बार फायदा होता है और कई बार नुकसान नहीं होता है, ये भी एक फायदा है। हमारा नुकसान हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर रूपी यंत्र को लगातार नो 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 करके खराब कर रहे हैं। ईश्वर ने क्या गजब का, मतलब सच कहें तो मशीनें हमें ईश्वर कहती होंगी, कंप्यूटर कहता होगा हम उसके रचयिता है, हम ईश्वर है। क्या इंट्रिकेट चीजें बनाई हैं, क्या मदरबोर्ड, क्या अंदर सारे तारों का जाल बिछाया, क्या गजब करंट लेता है और कितनी प्रोसेसिंग करता है, तो हम उसके लिए ईश्वर है। ऐसे ही हमारे अंदर संरचना करने वाला वो परमपिता ईश्वर कितने कमाल की मशीन हमारी बनाई और हम इसका सत्यानाश कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी इस मशीन के मजे लेते हैं। अब उनसे हम जलते हैं, कुड़ते हैं, यार ये ठीक, वो क्या करते हैं, ऐसा क्या विशेष वो लोग करते हैं, वो मान जाते हैं। ठीक है यार मान गए ना, हो गया सही है, अच्छा हो गया, हाँ सही है, गलत हो गया सही है। अच्छा और बुरा क्या है, मेरे मन को भाया, मेरी इच्छाओं को भाया, अच्छा हो गया, मेरी इच्छा को नहीं भाया, बुरा हो गया। तो अच्छा और बुरा होता क्या है, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। जब मनुष्य 10,000 से 20,000 कमाने पर जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है, फिर 30 पे जाता है, फिर और भ्रष्ट होती है 40, फिर उसे लगता है तो मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव, मैं ही कर सकता हूं, करने वाला कोई और है। मजे की बात आज हमें क्लास में समझना है कि उसके पास कैसे अर्जी लगाएं जो एक्चुअली करता है, वो कहां बैठा है, वो सारे कार्य कर रहा है और हम उससे करवा सकें। कितनी मजे की बात, कृष्ण सारे कार्य कर सकता है, उससे करवाएं कैसे। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, डोंट इंटरफेयर, बीच में पंगे नहीं करने। हाँ जी सर ये जो ज्ञान है ये होता या आता किसको है? किसको है मतलब किसको यार ये ज्ञान किसको आरेला होता है, किधर है ये ज्ञान, आता किसको है, कौन इसको समझ किसको आती है इसकी। लेट्स मीट, तो आज उससे मिलेंगे हम जिसे ये ज्ञान आता है, आज उसकी बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर जो सुप्रीम मैं की बात करूं उसके लिए ज्ञान का भी कोई लेना देना नहीं, ज्ञान एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जिस जो आती है या मिलती है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की इंग्लिश। अभी मिलेंगे किसको ज्ञान आता है इसकी बात करेंगे हम। सर ये ज्ञान जो है ये गुरु के आशीर्वाद से नहीं आता, अपने आप तो हो नहीं सकता। बड़ा प्यारा प्रश्न है कि ज्ञान गुरु के आशीर्वाद से नहीं आता कि अपने आप हो नहीं सकता, इसका उत्तर भी आएगा अभी। हाँ जी मैं ये पूछ रहा था, विचार आना मन में जो ना किताबों में पढ़ा ना कहीं से सुना, बड़े कमाल, वो ज्ञान से ही उसी लाइन की रूपरेखा में। इन्होंने बोला कुछ ऐसे बहुत सुंदर बात की है कि कई ऐसे विचार आ जाते हैं हमें जो ना कभी किसी किताब में पढ़े ना साले सुने, और कहां से आते हैं यार, ये है ज्ञान। सारे साइंटिस्ट ही ऐसे बने होंगे, सारे साइंटिस्ट ही ऐसे बने, रात को सपनों में कईयों को विचार आए हैं, किसी को बैठे बैठे क्लिक किया है, ये कहां से आता है। हम स्पेसिफिकली उससे मिल बैठते हैं थोड़ी देर के लिए जिसके पास ये होता है, उससे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये जो मान जा वाली बात आज हम ले रहे हैं जिसके बाद हम यहाँ पहुंचेंगे, ये मान जाने वाला मुन्ना यदि ऐसी स्थिति में हो जाए कि मैं मानता हूं कि कोई सुप्रीम लॉर्ड है, कोई मुझसे ऊपर है, कोई सर्वशक्तिमान है, तो उसके लिए सिर्फ यूं समझिए कि अर्जुन बन के गुलामी करनी होती है। अर्जुन बनता है और वो गुलामी करता है उस कृष्ण की, और वो कृष्ण पता नहीं कहां कहां ले जाता है। और कृष्ण मतलब सारी माया से बाहर हर किस्म के महाभारत को जिता सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे महाभारत चल रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, कोई शरीर के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई सब सांसारिकता में युद्ध है, ये युद्ध क्षेत्र है। इसकी हर किस्म की माया की महाभारत को जीतने के लिए आपको बहुत आवश्यक है कि आप वो ज्ञान लें जिसको टैप करके, जिसको टच करके आपके जीवन मजे में निबट जाए, आपको आसानी हो जाए। सबसे बड़ी समस्या इसमें कौन क्रिएट करता है? अन्य लोग। गुरु जी अगर अर्जुन ना बन के सुदामा ही बन जाए तो ये कह रहे अर्जुन ना बन के सुदामा बन जाए तो आपको प्रभु की करुणा मिलेगी, यानी कि उसकी कृपा मिलेगी। लेकिन अर्जुन जैसा योद्धा बन के चलेंगे तो महाभारत जीतेंगे। आपको बहुत कुछ, मैं शब्द भीख का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन समझाने के लिए, कृष्ण से एक भीख भी मिली सुदामा को तो वो भी अमृत थी, वो कृपा थी, सुदामा का जीवन तर गया। तो प्रभु कई बार ऐसे भी देते हैं, जो प्रभु की बात में कर रहा हूं जो हमारे अंदर ही विद्यमान है, वो ऐसे भी कई बार देता है। और आप मजे की बात देखें, मांगा कुछ नहीं सुदामा ने और मिल गया, और अर्जुन को बहुत कुछ चाहिए था, हक का भी था, वो लड़के मिलेगा। अगर अपने आप मिल रहा है तो वो कृपा से दे रहा है, सुदामा बन जाओ, और अगर लड़के लेना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा। हम लड़ते हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, हमारी बहुत सी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, हमारे सपनों का अंत नहीं है, इच्छाओं अनंत है, और ये दुख का कारण है। तो आपको चॉइस करना है, आप सुदामा भी बन सकते हैं, बहुत सुंदर विचार है। सुदामा बनना भी आसान नहीं, मांगना ही नहीं है, तू ही दे, तू ही जान, तुझे ही पता है। अब ऐसी भक्ति कहां से लाए कि खुद भूखे रह करके भी उस कृष्ण को समर्पित करने को राजी हैं। हम स्वयं के शरीर को भूलकर उस आत्मिक आंदोलन में चले जाते हैं जो ईश्वर है। किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए राम है, वहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं, हम फंसे हुए हैं यार, पेमेंट आनी है और यार परसों इंटरव्यू है, भाई नोट नहीं छप रहे, एक मकान और खरीदना है, स्यापे खत्म नहीं हो रहे, स्यापे खत्म नहीं हो रहे। आनंद मजे मस्ती कर कौन रहा है? कोई है अंदर कर रहा है, कोई है अंदर जो आनंद कर रहा है। दुखी कौन हो रहा है? मुन्ना। आप मजे की बात देखें, एक दुखी व्यक्ति के जीवन में भी हो सकता है कोई कमी ना हो, उसको ईश्वर जो बैठा है हमारे अंदर सब कुछ दे रहा है, मकान, गाड़ी, बंगला, स्वस्थ शरीर, पर वो यहाँ दुखी है। खोपड़ी खराब क्यों कर रखी है? क्योंकि मूलाधार से ऑपरेट कर रहा है, वो नीचे बैठा हुआ रोना रापा कर रहा है। अच्छा, रोना रापा कर क्यों रहा है? उसके पास गाड़ी है, मकान है, लेकिन उसके पड़ोसी के पास ज्यादा है, जिस सर्कल में बैठा है उसका अलग झंझट है। ये जो अन्य लोग हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये है अदर्स, ये है मी माई सेल्फ आई आ गया था मुझे, ये है अदर्स। अदर मान लेते हैं एक वाइफ है, एक हस्बैंड, एक फिलहाल एक काफी है, एक ही बहुत है आपको। ये हो गया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास कोरोना के सारे स्यापे और इनसे होता कुछ है नहीं। तो वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक अन्य लोग हैं। अब ये पति और पत्नी की तकरार होती है, झगड़े। अब ये इससे लड़ रही है, क्यों लड़ रही है? ये इससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? कोई भी दो लोग प्रेम का सत्यानाश करते हैं जहां अन्य लोग आते हैं। इसने ये कहती है तूने उसके लिए बहुत किया, ये कहते हैं तूने उसके लिए बहुत किया। आपस की लड़ाई नहीं होती इनकी, कभी भी नहीं होती। पति पत्नी की लड़ाई तीसरे की वजह से होती है। यह हमेशा इसको ताना मारती है, तुमने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। वो कहता है दिया है 35 ग्राम, वो कहती है 135 वहां दिया है। ये कहता है मैंने तेरे लिए ये सामान खरीदा, वो लाया। तो अब एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है? और लोग। आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते अगर आप औरों की बात करेंगे। आज ये गांठ बांध लीजिए कि आपको सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। मैं जिस लायक हूं, ईश्वर ने मुझे एक स्पेशल नाक कान आंख मुंह दिए हैं, ये मेरा जीवन है। मैंने दूसरे को साले थूकने नहीं जाना, देखने नहीं जाना। 1% कसम खा लो आप, मैं बता रहा हूं, घर में दो भाई आपस में कंपटीशन कर बैठे। इसलिए किसी हालत के अंदर अपने जीवन में यदि सुखी होना है, दूसरों को त्याग दो। दूसरों ने क्या बोला, दूसरे के कौन सी गाड़ी है, दूसरे के पास क्या है, ये छोड़ दो। सारा दिन मेरे जीवन में मैं दूसरों को अटेंड करता आया और हर व्यक्ति यहां बाहर बैठ के सुखी दिखता है, अंदर आके दुखी मिलता है। हर दूसरा व्यक्ति अपने अपने अलग किस्म के दुख लिखा के लाया है। कंपैरिजन करने मात्र से आप अपने जीवन के अंदर मन का चैन, रात की नींद हराम कर दोगे। पहला पॉइंट आउट। वर्ल्ड हेल्थ काफी है, ऑर्गेनाइजेशन खत्म, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आज कोरोना ने जो त्राही त्राही मचा रखी है, वो सारे वो लोग हैं जो मैं पर जी रहे हैं। जितने लोग नीचे के तल पर पड़े हुए हैं, सबका सत्यानाश हो रहा है। हमने जब जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, मैं को सुला दिया, बदलाव आना शुरू हो जाता है। एक्सेप्ट करते ही मैं मान गया कि हे कृष्ण तुम ठीक कहते हो, और मैं मान गया कि मैं नपुंसक होकर के युद्ध के पीछे हट रहा था, मैंने अब तुम पे छोड़ दिया। मैंने जैसे ही मान लिया, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मैं उदाहरण बता देता हूं। जैसे कोई सास अपनी बहू से बड़ी दुखी है, ये ऐसे क्लेश करती है, वो ऐसे लड़ती है, ये इस तरह की है, वैसी है, तैसी है। पहले एक्सेप्ट करो, उसको मान लो, हाँ ऐसा है, खत्म। आप देखेंगे अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहू में बदलाव आ जाएगा या बहू बदल जाएगी। कैसे भी होगा, होगा जरूर। हम गाना गाते रहते हैं, हाय कर्जा हाय कर्जा, कर्जा नहीं खत्म हो रहा कर्जा। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप शब्द को मंत्र बना रहे हैं। हमारे अंदर कोई बैठा है जो उस मंत्र को सिद्ध कर देगा, और आपके जीवन के अंदर वो बात सत्य घटना बन जाएगी। कॉस्मोस हमारे अंदर अंतरिक्ष से काम करता है, दादाजी के थ्रू। दादाजी हमारे अंदर बैठे, इस पे क्लास है दादाजी एंड स्लीप। और हमने जो मंत्र सिद्ध कर लिया वो खत्म। अंबानी के पास क्या है, टाटा के पास क्या है, दुनिया भर का कर्जा है। वो उसके लिए रोते नहीं, उन्होंने पहले उसे स्वीकार कर लिया। ओके है, मैं मान गया कर्जा है, अब खत्म हो गई बात, विराम। अब उसके आगे गाड़ी चलेगी। आपको जो जो बदलना है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि ठीक है, हाँ हो गया। काम वाली ऐसी है यार, ये खराब सी है थोड़ी सी, चलो ऐसे ठीक है, हो गया ठीक है, अब ये है ही ना, अब आगे देखते हैं। आपके काम वाली में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में। सर यूं तो कैसे हो सकता है, उसको बदल ही दो ना, इतना बदलाव ला नहीं। ये इन्होंने एक उत्तम विचार गाया कि काम वाली को बदल ही दो। पर सर वो शक्ल बदल के दूसरी मिल जाएगी, वो शक्ल बदल के दूसरी मिल जाएगी, या शुरुआत की लॉलीपॉप मिल जाएगी थोड़े दिन के लिए अच्छी, उसके बाद पुनः वह की। ये विचार मन में ये भी तो आ सकता है, घर वाला ठीक नहीं है तो घर वाला के बीवी ठीक नहीं, कितनी बदलोगे। देखो असली ज्ञान, ये बात बतानी जरूरी है। सानी साहब ने बताया कि भाई विचार आ गया मन में, घर वाला कहेगा बीवी ठीक नहीं है, और बीवी कहेगी पति ठीक नहीं है, पर कितनी बीवियां बदलोगे हैं? देखो सच्ची बात भाई, ये तो मतलब दिल के उद्गार, मन के उद्गार, सच्चाई सामने आई है। आपके जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो पत्नी है, जो पति है, जो बच्चे हैं, एक्सेप्ट करो, मान भी जाओ यही है मेरे, आपकी शिकायतें बंद हो जाएंगी। ऐसा अक्सर कई वाइफ्स कहती हैं या मम्मियां कहती हैं, बेटा ड्रिंक करता है, तो बेटी ड्रिंक करती अच्छी थोड़ी लगेगी। बेटा करता, करने दो, पहले उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है। देखना घर में लड़ाई खत्म होगी। आपका एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप ढील दिए जा रहे हैं। कुछ लोग अवॉइड कर देते हैं कि नहीं हमने देखना ही नहीं उस तरफ, वो भगोड़ापन है। कुछ लोग सांत्वना देने बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं ना, ठीक है ना। ये वही हाल है कि आप अर्जुन को नपुंसक बनाए जा रहे हो, कोई नहीं ना, ठीक है ना, मरने देना, छोड़ देना। आपको युद्ध करना है, कर्म करना ही है। सर बिना एक्सेप्ट करके कैसे होता है कर्म? एक्सेप्ट करके हमारे अंदर जो देवता बैठा है वो कर्म करता है। हमारे जीवन में अर्जुन ने जैसे ही एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप कहते हो मैं सिर्फ कर्म करूंगा, युद्ध करूंगा, कर्ता भाव से नहीं कि मैं कर रहा हूं, कृष्ण कर रहा है, कोई है हमारे अंदर जो कर रहा है। और वो रियकर हो जाए अगर कि कर्ता भाव रियकर तो होगा ही, क्योंकि कर्ता भाव रियकर होता ही है। कर्ता भाव के मैं ही कर रहा हूँ ये बार बार आएगा, पहले दिन नहीं आएगा, पहले दिन अकल आ जाएगी तो पांचवें दिन आ जाएगा, जब 100% आएगा, ये बार बार आएगा, ये 1000 बार आएगा, इसने आना ही है। हम मानने नहीं देता। मुन्ना ने हमारे जीवन को छलनी करके रखा हुआ है, कह के बार बार मैं कर रहा हूँ और मैं ही लड़ रहा हूँ। करता भी वही है, रोता भी वही है, और फिर रो पिट के क्या करता है, फिर एक नया करता ढूंढता है मंदिर में, हे भगवान तू बचा ले। इमीडिएटली जब जीते हुए इंसान जो मंदिर जाते हैं वो सब डरे हुए हैं, वो कहते हैं भगवान कृपा बनाए रखना। जो हारे हुए हैं वो उन सबकी ऐसी तैसी है, पिटे हुए हैं, वो मंदिर जाके कहते हैं हे भगवान ये ठीक कर दे। यानी हमें अंदर से पता है कि कोई और है जो कर सकता है, लेकिन हम आखिर तक अपनी ऐसी तैसी फेरते रहते हैं और भीख मांगने फिर उसी के पास जाते हैं। अब यहाँ एक्सेप्टेंस की आप बात करें, अगर मैं एक्सेप्ट करूं जो मेरा जैसा है वैसा ठीक है, काम करता रहूं, तो इस हिसाब से तो जो स्पोर्ट्समैन है या कोई अपंग हो गया वो स्पोर्ट्समैन बन रहा है, वो कैसे बनेगा? उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है मैं अपंग हो गया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहा, अपने आप को नहीं आगे बढ़ा रहा, तो वो एक्सेप्टेंस फिर वहां पर कैसे? उन्होंने बोला एक्सेप्ट कर लिया किसी अपंग ने कि मैं अपंग हूं और रुक गया। हम बात कर रहे हैं कि रुकना नहीं है, पुश भी तो नहीं करना, ना 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 करने देना है और कर्म करने चले जाना है। हाँ, पुश करने में करता आ जाएगा। आपने करना शुरू कर दिया वही कर्म ये सोच के कि मैं कर रहा हूं, और वह करना शुरू कर दिया वही कर्म ये सोच के कि वो कराएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कोई स्थिति है और मैं दिनचर्या में हूं तो ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं अपने आप पुश कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो वो तभी कुछ हो पाएगा जब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, अपने आप ज्यादा पेन दूंगा। इन्होंने बोला अगर मैं एक्स्ट्रा करूंगा तभी तो कुछ होगा। आप और एक्स्ट्रा करो और एक्स्ट्रा करो, हर बार ये सोच के वो कर रहा है कि मैं लगा तो हूं करने में, फल मिलेगा उसकी इच्छा से, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहां बैठा है, इसी की बात करनी है मेनली। हाँ जी, रिलेशंस हस्बैंड वाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, अगला स्टेप है इसमें करता क्या करे, क्या एक्सेप्ट कर लिया, कर तो कुछ सकते ही। अरे ये कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कर तो हम सकते नहीं, क्यों ना दोनों के कृष्ण को मिला दिया जाए, वो करेंगे। कैसे मिलाते बात करते, ऑन कर दिया, उसका ऑन ही नहीं होता तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना उसका करूंगा, मैंने तो ऑन कर दिया, किया ही नहीं, यही अहंकार है कि मैंने तो ऑन कर दिया, यही तो लोचा है, यही तो लॉलीपॉप है। हाँ जी, एक प्रश्न था यार, एक क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट करके युद्ध करने का क्या मतलब हुआ? अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं हार गया, तो अब मैं युद्ध किस चीज के लिए करूंगा? अगर युद्ध करूंगा तो कोई पर्पस या कोई एक आगे जलंधर जाने के लिए तो आगे बढ़ूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो गए, फिर तो एक्सेप्ट कर लिया। तो इन्होंने बोला कि मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं युद्ध करूंगा ही क्यों। अर्जुन ने इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत गहरी बात है ये, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है झंझट हो गया, अब मैंने अवॉइड कर दिया। अवॉइड करना एक्सेप्ट करना अलग है। आपने जो एक्सेप्ट किया है उसको आपने वाइब्रेशन देनी बंद कर दी। आपने जो एक्सेप्ट कर लिया, किसी की टांग टूटी हुई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया टूटी है, अब कलेश बंद कर दिया, मंत्र बंद कर दिया। कर्जा चढ़ गया, उसने गाना गाना बंद कर दिया। आपकी पत्नी क्लेश करती है, आपने गाना गाना बंद कर दिया, वो क्लेश नहीं करती, वो ऐसी ही है। अब मुझे देखना है क्या करना है। जो जो व्यक्ति ये कर लेता है वो ऊंचा स्पोर्ट्समैन बनता है, वो अमीर बनता है, डबल कर लेता है हर चीज अपनी। अभी जो रिकवरी की बात करी कि सत्यवान भाई से 50 रुपए लेने हैं, एक्सेप्ट कर लिया, कब तक लेने हैं आपने 50 पर, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कर्म करते रहना है, और ये कर्म के साथ भाग्य रखना है। कृष्ण लाएंगे, आए आए नहीं आए ना आए, मैं रोज तकादा तो करूंगा ना। इन्होंने बोला भाई किसी से 50 रुपया लेना है और वो दे नहीं रहा, तो अब मैं रोज, बहुत गहरी बात है ये, अब मैं रोज परेशान होता हूँ, तो मुझे कर्म कौन सा करना है? मैं रोज तकादा तो करूँ, वो देगा या नहीं देगा। आप तकादा कैसे करेंगे ये सीक्रेट है, तो ये व्याकरण हमारा ठीक करा दो। ये तकादा करेंगे कैसे? ये पहले हम उससे मिल लेते हैं, इसको क्लास को आगे डिटेल वहीं से पढ़ाएंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। हमारे कॉस्मोस यानी अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में सब चीजें बंध के चल रही हैं, पता नहीं किस रूल किस उसूल से। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के साथ बंध के सब कुछ चल रहा है, पता नहीं किस उसूल से, किस नियम से। सेम टू सेम हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पता नहीं कैसे, किस तरह, किस नियम से। एक स्पर्म के अंदर पूरे व्यक्ति का नक्शा खींचा होता है, एक बीज के अंदर पूरे पेड़ का नक्शा खींचा होता है। आप ऐसे ले, इसको मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म बोलते हैं। मैक्रोकॉस्म इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड सिकुड़ के सोलर सिस्टम में आया, सिकुड़ के हमारे शरीर में आया, सिकुड़ के बीज में आया, सब सेम है, डिट्टो सेम, सारा नक्शा सेम है, 1% फर्क नहीं। हमारी जो धरती है उसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, या करंट बहता है, इलेक्ट्रिकल करंट मान के चलो, चुंबक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस बनती हैं। बिजली की चिंगारी, बिजली से जब लोहे को चार्ज करते हैं तो उसमें मैग्नेट पैदा हो जाता है और उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है। ईएमपी पल्स दुनिया की सबसे पावरफुल पल्स है। ये नॉर्थ, ये साउथ। हमारा शरीर, ये हमारे बालू, ये सिर के, ये तीसरा नेत्र, ये गला, ये हृदय चक्र, ये नाभि एंड सो ऑन, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल। हमारे पास नेटवर्क है बड़ा शानदार, यहां पर पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे नोडल पॉइंट्स हर चक्र पे। यहां से हमारी एक नाड़ी चलती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, गोल गोल गोल। उसके बाद दूसरी नाड़ी हमारी चलती है जो इस साइड से जाती है, ये हमारी हो गई जी एक इदा नाड़ी, इसका नाम है इदा। ये इलेक्ट्रॉन है माइनस इंडिकेशन पे, इसका नाम है पिंगला। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, बीच में न्यूट्रॉन, ये है सुषुम्ना। सुषुम्ना, ये नाड़ियों के नाम है, एबीसी, कुछ भी नाम हो सकते थे, पर चलो ये तीन नाम हम परिचित हैं। हमारे अंदर ये जाल बिछा हुआ है शरीर के अंदर। हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है, जहाँ कॉन्शियसनेस, जहाँ चेतना, जहाँ हमारे अंदर आत्मा पूरा गोल 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 घूमती है, वो अलग अलग चक्कर पे घूमती है ऊपर से नीचे। ये हमारा पेट है, ये गड़बड़ है अगर तो समझो कि यहाँ का एक नोडल पॉइंट है, यहाँ हमारे जीवन में हाँ और ना की लड़ाई चल रही है, पेट खराब हो जाएगा। हमारे दिल का रोग लगेगा, हमारे को जीवन में हाँ और ना की लड़ाई चल रही है तो हमारा ये खराब हो जाएगा लगातार। यदि लड़ाई नहीं चल रही है तो ठीक रहेगा। लोग बीमारी से रिकवर कर जाते हैं जब वो कहते हैं ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, और कर्म करते हैं, चलो उनकी बीमारियां रिवर्स हो जाती है। माइनस घटा के प्लस बढ़ाते हैं। अच्छा, माइनस क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, ये हो गया प्लस, ये है माइनस, ये फिर प्लस, ये फिर माइनस, फिर ये, क्योंकि हर चीज ने कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना है। ऐसा क्यों है? आप देखेंगे शक्ति प्रवाहित होती है हर चीज के अंदर, मोटर चलती है, गोल गोल घूमती है, पानी को घुमाती है, टरबाइन, बिजली पैदा होती है। यानी जब तक घर्षण नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी, हमारे अंदर बिजली की चिंगारियां नहीं जाएंगी, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा दक्षिण, साउथ। यहां पर हमारे कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी, कुंड होता है एक छोटा सा कटोरा टाइप, माने कुंड। इस कुंड में लीन, कुंड में लीन, कुंड में लीन को कुंडलिनी कहा जाता है। ये है शक्ति, यहाँ है शिव। तीसरा नेत्र शिव का मुफ्त में नहीं दिखाया गया, थर्ड आई पाइनियल ग्लैंड है हमारा, यानी कि अंदर देखने वाली। ये बाहर देखने वाले हैं, वो अंदर देख रही है। जब भी हमें कोई बहुत गहरा अध्ययन करना होता है, कहाँ जाते हैं हम तीसरा नेत्र यूज करते हैं। हम ऐसे करते हैं, यहाँ जाता है हाथ, यहाँ नहीं जाता। खोपड़ी अपने आप कहती है यार क्या था, कुछ था, ये हाथ यहीं रहता है। ये हृदय है, इसकी एक्सटेंशन यहाँ आ जाती है। ये काम करने के तरीके हैं बॉडी के। वो कहती है निकाल निकाल, रास्ता निकाल, रास्ता निकाल, कुछ ना कुछ निकलता है। यानी तीसरा नेत्र एक्टिवेट करते हैं हम अपना कि यार रास्ता निकाल, कोई कौन निकाल रहा रास्ता, हमें पता ही नहीं। अंदर से अचानक एक विचार आता है, ये करना है। ये है वो अंदर कहीं शक्ति जो बताती ये करना, ये है शिव। अब हमने क्या किया, आंखें बंद की, ये कुंडलिनी है, यहां से करंट गया, खट 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 खट, बीच वाला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बीच में गया और इसने खटाच ऊपर फेंक के मारा। और यहां पर कोई बैठा है जिसने बताया ये करना। तो कहते यार सही बात सूझी है बेटे की जान, मजा आ गया, अब करेंगे भाई, भाई पता लग गया क्या करना है। हमारे के पास है, आप बिलीव करिए, आपके पास कोई समस्या नहीं है, आपको इसको टैप करना नहीं आता। हमारे पास उत्तर है, सारी चीजों के रास्ते हैं। हमारे पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, यहीं फंसे हुए। बोले हाँ खत्म हो गए ना, अब क्या करना है, अब देखते हैं यार। अब जिसके पास सारा जुगाड़ अरेंजमेंट है उससे टैप करते हैं, वो यहाँ बैठा है, इससे पूछते हैं। ये शक्ति है शिव की शक्ति, शिव यहाँ से काम कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी से, वर्किंग स्टेशन से शिव जी काम कर रहे हैं, कमांड सेंटर है ये। और यहाँ से शक्ति प्रोवाइड कराते हैं ऊपर। ये कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या करना है, किधर के तल पे। अब ये चेतना है, ये पूरे के पूरे पे चेतना है। चेतना मीन सुन्न नहीं है, काम कर रहा है। अब हमारी मर्जी, हम चूज करते हैं हमें करना क्या है। हमें डर की ओर जाना है तो हम नीचे होते हैं, हमें अहंकार के ऊपर रहना है तो यहाँ होते हैं, हम कहते हैं दफा करो तो यहाँ होते हैं, प्रेम में होते हैं तो यहाँ। बहुत सारी संज्ञाएं हैं सर। ये जो हमने शिव और जैसे पहले सती थी जीवन में, फिर पार्वती आई, तो ये शक्ति अपग्रेड होती है हर बार शिव से मिलने के लिए, जो फाइनली रिफाइंड, जितना हर जन्म में रिफाइंड रिफाइंड रिफाइंड। ये म्यूटेशन है, जैसे ओमिक्रॉन हो गया, वो म्यूटेट कर रहा है। इन्होंने बोला है शिव के लिए जो शक्ति स्वरूप अलग अलग बनी, कभी पार्वती बनी, कभी सती बनी, ये कैसे, क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशन है, मतलब ये इंप्रूव कर रहा है। एक मनुष्य इंप्रूव करता है ना। आप किसी के सानिध्य में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आपको ज्यादा अकल आ जाती है, कहते हैं ना इसके पास बैठ तो 15 दिन तेरे को समझ आएगा करना क्या है। ये इंप्रूवमेंट क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति को ऊपर के लेवल पर काम करा रहा है, वो आपका कोच है, वो आपको ज्यादा बेहतर सिखा पाएगा क्योंकि उसे पहले ही पता है। गुरु मीन्स जो गुर जानता है, ट्रिक, गुरु गुर जो ट्रिक जानता है वो बता देगा। अब मैं क्या कहता है, यहां बैठा है मैं, कहता मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, मुझे सब पता है। और ये बहुत नीचे के तल पे है, वो जो आगे आने वाला है वो ज्यादा स्ट्रांग इमर्ज कर रहा है, जो आगे आ रहा है, करंट जनरेशन है। इन्होंने बोला कि जो अब अगली जनरेशन आ रही है, नया पौध नए बच्चे क्या वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे? निसंदेह 101% आगे जो पैदा हो रहे हैं वो पहले गुरु हैं, क्योंकि उनके पास अभाव नहीं है। वो उससे भी डेडली। अगला जो ओमिक्रॉन का पापा आएगा वो इससे भी डेडली होगा। क्या कर रहा है ये वायरस? ये अपने आप युद्ध कर रहा है। वायरस अंदर आ गया लोगों में, अपना मनुष्य ने उसको पीटना शुरू किया, मर 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 मर, कुछ मर गया, कुछ लड़ा भिड़ा, पर उसको फिर डेवलप। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बड़े सुखों में पले हैं, वो इवॉल्व कैसे होंगे? आप मान के चले एक व्यक्ति आया, उसने मुझे पकड़ लिया तो मैंने उसे झटका दिया, 2 मुक्के मारे, खत्म। 2 लोग आ गए, 2 मुक्के मैंने खा लिए, 2 मैंने मार दिए, 3 लोग आ गए पकड़ के, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उनसे मैं छूटा, 4 आ गए, दब गया। अब मैं दब गया, लेकिन मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 10 दिन तक रास्ता निकालता रहूंगा। मैं युद्ध करना छोड़ूंगा नहीं। अपने जन्म काल में हो सकता है मैं 2 साल बाद उन 4 की ऐसी तैसी फेरने लायक शक्ति बटोर लूं। तो क्या हुआ? पीड़ा के समय में मैं इवॉल्व हुआ हूं, मुझ में और शक्तियां जागृत हुई हैं, मैं अपने आप को और शक्तिशाली समझाऊं, मैंने उनकी कमियां जानी है, और मैं इस बार ऐसा जबरदस्त हो गया हूं कि 4 लोग भी पेल दूंगा, पीट डालूंगा, खत्म कर दूंगा। यहाँ पर भी तो काम मैं ही कर रहा है प्रभु जी, यहाँ पर भी काम मैं कर रहा है। मैं हार गया है 4 से पिट के, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, मैं पिट गया हूं। जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं पिट गया हूं, अब मुझे रास्ता निकालना है। ये रास्ता कौन निकाल रहा है? ये ऐसे रास्ता निकलता ना, ये ऐसे निकलता ना रास्ता, ये निकालेगा रास्ता। अभी तक मैं बाहुबल से लड़ रहा था, भुजबल से शक्ति लगा के, लेकिन ये निकालेगा ना रास्ता, तो पता नहीं कहां से नई शक्तियां आ जाएंगी। अभी करेंगे बात इसकी, ये भी सामने आ जाएगा आपके। थ्रोट चक्र में हम किस स्थिति में रहेंगे प्रभु? थ्रोट चक्र पे हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। दुनिया स्वादिष्ट खाना में दुनिया समाज नहीं जुड़ता हमारे साथ। स्वादिष्ट खाना में तो मैं होता है, मेरे अलावा कोई होता ही नहीं साला, ऐसी की तैसी सबकी। और बस यहाँ ऊपर जो हस्बैंड्स दारू पी के बीवी को पीटते हैं, दुनिया को गाली बकते हैं, वो यहाँ बैठे होते हैं। जो पी पिला के आराम से दुनिया के बीच बैठ के कवि बनते हैं, शायर बनते हैं, वो ऊपर बैठे होते हैं। अब प्रॉपर आया होगा गुड। और कुछ गजलें भी करते हैं, जान है तो मेरी, वो यहाँ बैठे होते हैं, लाइक दैट। अब ये मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना, वेयर एम आई, दफा कर रहे हैं तो मतलब हम वहां बैठे हैं, उसके ऊपर और उठे अगर हम दफा कर रहे हैं तो यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, और इसके ऊपर ही उठने की तैयारी है, इसके पास जाना है, इसके पास। ये कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागरण नाम से बहुत एक मशहूर चीज है, स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हर कोई कहता है कुंडलिनी जागृत कर ली, कोई मजाक नहीं है। ये शक्ति को ऊपर पहुंचा देना शिव के पास। दफा को सीधा साथ में जोड़ देते हैं, देखा जाएगा, बीच के 2 लेवल खाई जाएगी, यू डोंट डिजर्व, इसलिए ना तेरे से प्रेम करना, ना तेरी दुनियादारी तेरे साथ। इन्होंने बोला दफा करके सीधा देखा जाएगा, कर दिया, हो गया, हो नहीं गया ना, हो गया मीन्स इसने किया, कर दिया मीन्स मैंने किया। तो जब हमने ये तो कहीं ना कहीं संज्ञा वोकैबुलरी की कोई बात आ गई, दफा कर दिया और देखा जाएगा। इन्होंने बोला ये संज्ञा इस्तेमाल करी, दफा किया, देखा जाएगा। जब जब मैं ये संज्ञा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मैं ही हूँ, मुन्ना ही शरीर को चला रहा है। या फिजिकल हो रहा है या मानसिक हो रहा है, तब भी वो मैं ही कर रहा है। मानसिक हो रहा है चाहे फिजिकल, फिजिकल टिंकू है, मानसिक मुन्ना है। ये मुन्ना करा रहा है शरीर से, हमारा शरीर मुन्ना ही चलाता है। तो दफा फिर वो सरेंडर वाला दफा, वो एक्चुअल कहां जहां मैं इन्वॉल्व नहीं है, वो कैसे आएगा? वो कि सरेंडर करना क्या है, सरेंडर किया क्या, एक्सेप्ट किया क्या? ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास ये चैतन्यता आ गई, ये चैतन्य हो गया कि एक और बैठा करने वाला। अब मैंने हिलना डुलना शुरू कर दिया और मैं रिजल्ट पे पहुंचा ही नहीं। मैं ऊपर रिजल्ट पे पहुंचूंगा नहीं, प्रतिपल कार्य कर रहा हूँ, रोज युद्ध कर रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, रोज फोन कर रहा हूँ, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी भूल जाऊंगा 15 दिन बाद। आपको जो 50 रुपया लेना है वो भी आप भूल जाओगे 15 दिन बाद, यूं ही यंत्र की तरह काम करते रहोगे। अर्जुन यंत्र की तरह लड़ा, आखिर में भी कृष्ण ने बोला अबे मार भीष्म को। अगर यंत्र बने तो फिर हमने आनंद कहां लिया, यंत्र बने तो आनंद कहां लिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आखिरी मुद्दा है मोक्ष, सैल्वेशन। अब यार ये मोक्ष बड़ी लफड़े की बात होती है, कौन इसके बारे में सोचे। नहीं चाहिए मोक्ष हमें, ना मजे चाहिए उन्हें, नहीं चाहिए मोक्ष, मजे हमें बैंकॉक है, इन्हें बैंकॉक चाहिए कह रहे हैं। ये बात जायज है, देखो मजे बड़ी सुंदर बात है ये, अक्सर लोगों को बैंकॉक क्यों चाहिए? अभी यही पूर्ण नहीं हुआ। ओशो बदनाम हो गया इस चक्कर में, उसने हर समय साधना और ज्ञान की बात की, संभोग से समाधि। ये संभोग जब तक तृप्त होकर पूर्ण नहीं करोगे, कृष्ण भी कैसे बनोगे? कृष्ण ने बतेरे, ये बातें आती है, राधा छोड़ दी कृष्ण, अरे तृप्त पूर्ण हो गए, उस चीज से ऊपर ही उठ गए आप, उसके आगे की यात्रा शुरू करी। बैंकॉक का संज्ञा सिर्फ मेरे लिए है कि डिजायर्स, बेसिकली बैंकॉक की संज्ञा डिजायर्स है, बिल्कुल सही, उत्तम बात है। खाना बहुत अच्छा मिलता है, शॉपिंग बहुत अच्छी। हमारे जीवन के अंदर जब तक हम मटेरियलिस्टिक लाइफ से नहीं उठेंगे, इससे काम नहीं करा सकते। सर हम जहाँ हैं अगर हम बड़ी क्वांटिटी में चीज है इससे काम करवाना है, वही काम कराने जो मटेरियलिस्टिक है। हाँ, इन्होंने भी बात वही कही है कि वो ये कह रहे हैं वही काम कराना जो मटेरियलिस्टिक, और ये कह रहे हैं जहाँ है वहीं अगर खुश है, जहाँ है वहीं अगर खुश है तो यौन है, आनंद यहाँ है। इनको तंग क्यों करना, फिर इनसे क्या काम कराने, हमने क्यों ना ये कह रहे हैं इनको तंग क्यों करना है, इनसे काम क्यों कराना है, इसको समझेंगे हम। ये हमारे नोडल पॉइंट्स हैं, इनके अलग अलग नाम है। ये जो है हमारा, ये हमारे शरीर का 10वां द्वार है, 10th डोर। इससे काम क्यों कराना है, आप एक मूवी देखिएगा इसको सिर्फ समझने के लिए। टॉम क्रूज की मूवी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। सर यहाँ बैठने के लिए पेशेंस और बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, मतलब माइंड की स्पीड एकदम स्लो, तो काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। माइंड की स्पीड स्लो होगी, काम ऑटोमेटिक होंगे, ये बात बड़ी जायज है। माइंड की स्पीड स्लो मतलब मुन्ना हौले हौले चल रहा है, करने देगा। आप यंत्रवत हो गए, मुन्ना हौले हौले चल रहा है। एक केंद्र, एक व्यक्ति लगा रहता है ना, धावक दौड़ रहा है, मैराथन दौड़े जा रहा है, पागल है क्या, दौड़े जा रहा है। एक निश्चित स्पीड से, एक विचार, एक मंजिल, एक जलंधर, वो दौड़े ही चले जा रहा है, पहुंच जाएगा। बीच बीच में सोच रहा है ये क्या कर रहा, वो वाला कहाँ चला गया, ये पीछे है, वो आगे है, तू चले चल, तेरे आगे निकल गया थोड़ी देर में कोई, वो थक जाएगा आगे जाके, तू चले चल। यह है निरंतरता, आप लगे रहो। यह हमारे शरीर का 10वां द्वार है, इसका नाम है ब्रह्मरंध्र। इसका नाम है ब्रह्मरंध्र। हमारे 2 द्वार हुए मल मूत्र के, एक द्वार मल का, एक मूत्र का, एक मुख, 2 आंख, कान, नाक, और 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र। इसकी महिमा ये मान के चलिए कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके कपाल क्रिया की जाती है, उसके सिर पे एक बांस फेंक के मारा जाता है और उसे फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ऊर्जा, सारा जो शक्ति है शिव की, वो यहाँ बैठी है। आप छोटे बच्चे को देखेंगे, जन्म लेगा, उसका तालू यहाँ से होता है ना, जो बड़ा मुलायम होता है, हड्डी नहीं होती है, टिश्यू होता है, उम्र के साथ बनता धीरे धीरे, यह पोपला पोपला होता है। साधु के प्राण निकलते, तो साधुओं के प्राण यहाँ से निकलते हैं, सिर फाटते हैं। तो ये 10वें द्वार से प्राण निकलना इज मोक्ष, दिस इज सैल्वेशन, दिस इज लिविंग। ये है आप जीवन में अमृत कुंड के पास रह रहे हैं। ऐसे कैसे लोग हैं जिनके काम अंधाधुंध होते चले जाते हैं। अरे क्या है यार, कौन कर रहा है, कैसे हो सकता है एक आदमी एक जन्म में अरबपति बन गया, कैसे हो सकता है। उसने यहाँ टैप करना सीख लिया है, वो शक्ति से परिचित हो चुका है कि यहाँ कोई बैठा है। हम सारी जिंदगी इसके बारे में पता ही नहीं है, सारी जिंदगी इसी में लगे, मामा जी को फोन मिलाना, देख यार वो जाप करा ले, माता के जाप करा ले। हमारे अंदर कोई बैठा है पिता बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी शक्ति बैठी है यहाँ, बैठा जो परम तत्व है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स बता रहा था मैं, उस मूवी में यही दिखाया है कि ट्राइपॉड्स होते हैं, कुछ ऐसे एलियंस होते हैं, वो उसके हेड पे बैठा होता है, छोटा सा इतना सा क्रीचर होता है, इतनी बड़ी बॉडी के अंदर बैठा होता है, और वो उसको चला रहा होता है। आप देखेंगे समझ आएगा, सिर्फ मात्र समझने के लिए, कल्पना के लिए। तो यहाँ माथे पर हमारे कोई अंदर बैठा है, कोई शक्ति है, वो है लाइफ फोर्स, सारा ऊर्जा का स्रोत, जहां से बिजली का करंट प्रवाहित होता है शरीर में। हमारे ऊपर के 3 चक्र जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट के हैं, नीचे मैग्नेट जनरेट कराते हैं, और हृदय चक्र से जो इंपल्स निकलता है वो हो जाता है। बातें सुनने में अजीब लगती हैं, करके कोई राजी नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। हम ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि हमारे पास अंदर बैठा है कोई जो सब कर रहा है। आप मजे की बात देखें, ये काम पे कैसे लगा है। आप रात को सो गए, ये सांस लेना नहीं भूल रहा, सांस ले कौन रहा है, पता लगा रात को सोए गए, ये सांस, मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, सो जाओ। ये सांस ले रहा है रात में, ये ऊपर बैठा है अपना कमांडिंग स्टेशन पे, और यहां से बैठ के आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है, सांस लो, लिवर को सिग्नल दे रहा है, गंदगी छान दो, मलमूत्र बना रहा है। यार ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, यही सबसे अब नॉर्मल बातें हैं। अगर ये जरा सी बिगड़ गई, मनुष्य हॉस्पिटल के धक्के खाता रहता है, और सारा धन उसका रह जाता है, सारा प्रेम ऐसी की तैसी में जाता है, पत्थर का भगवान ढूंढ के उसके आगे माथा रगड़ रगड़ के माफिया मांगता है, पता नहीं कौन कौन से कर्म। ऐसे कैसे साधक होते हैं वो लोग, एक जन्म के अंदर करोड़ों अरबों पति बनते हैं, प्रेम पाते हैं अपनी इच्छा का, शरीर स्वस्थ करते हैं, और साले महा क्रिमिनल होते हैं, गिल्ट फ्री होते हैं। जो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाए वो यहाँ टैप करना जानता है। ये ब्रह्मरंध्र हमारे शरीर का वो लास्ट प्रमुख द्वार है, जिसके अंदर की बची हुई एनर्जी यदि है तो माथा फोड़ देते हैं डंडा मार के जलती हुई लाश में, कि वो एनर्जी भी यहाँ से निकल जाए और दूसरे लोग को जाए। क्योंकि ये वाइटल फोर्स, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है, यदि शरीर के सारे अंग आपके रुक जाएं, उसके बाद हार्ट बीट रुक जाती है। ऐसा होता है कि सत्य में है, आपका लिवर रुक गया, हार्ट रुक गई, किडनी रुक गई, बंदे को करंट मारते हैं, छाती पे करंट मारते हैं, उसके खटाक ऊपर जिंदा हो जाता है। सर मूवी में भी तो सिर्फ माइंड से तो सारी दिखाते हैं उसमें। हाँ, माइंड से कुछ लाना और सब कुछ, ये जो माइंड से सब कुछ कर देते हैं वो यहाँ शक्तियां हैं। ऐसा हम करते हैं, अभी एग्जाम्पल्स देंगे, हमें पता ही नहीं चलता। हम सब कुछ करते हैं। जिन्हें बरी कर देते हैं फिर उनका कैसे होता है? उनका तो हम नहीं करते हैं ना, जिनको बरी। ये हमारे ही धर्म में ये सिस्टम है कि यहाँ कपाल क्रिया की जाए, कई धर्मों में ऐसा किया ही नहीं जाता। वो वहां से लाइफ फोर्स वहां से भी निकलता है। यदि लाइफ फोर्स ट्रैप्ड रह गया है तो करंट के तौर पर है, जो मैं बता रहा हूँ कि बिजली का करंट देते हैं व्यक्ति को और वो फिर से जिंदा हो जाता है, हार्ट दोबारा चालू हो जाता है, लिवर किडनी फिर चालू हो जाते हैं। बिजली का करंट यहाँ से लगातार प्रवाहित हो रहा है, भले ही शरीर के ऑर्गन चल रहे हैं चाहे नहीं चल रहे हैं। हम इसको डिस्टर्ब करते हैं या इसको टैप करते हैं, अगर हमें जान जाते हैं तो हमारी लाइफ रॉकेट की तरह हमारी जेब में चलती है। इसे मानना है, इसे जानना है, इसके आगे मानना है, ये है जिसे एक्सेप्ट करना है। ये शक्तियों का केंद्र है, इसकी बात करेंगे जी हम, जरा छोल भटूरे हो जाए सर जी। जो अच्छा एक क्वेश्चन ले लो इनका। हाँ जी, बंद हो चुका है। महाभारत में जो अश्वत्थ था उसकी भी तो ये था ना, तो यानी कि उसने टैप नहीं किया था, उसे तो उसकी मणि थी ना, तो वो निकाली थी कृष्ण ने, वो कोड के रूप में आ गया था, तो वो भी उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। इन्होंने बोला अश्वत्थामा जो था उसके मणि थी महाभारत में, वो टैप नहीं की थी, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कृष्ण का वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि तेरी ये मणि निकाल था और तू। ये शिव संहिता में या कहीं और चले जाएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी बोल दूं, शिव संहिता में ये कहा गया है कि यदि हम इसको टैप करना जान जाते हैं तो ये मृत्यु को मार देता है। आप अपनी मृत्यु को मार सकते हैं, आपके पैसे मर रहे हैं उसे मार देगा, आप जीवन अनंत जी सकते हैं। महाअवतार बाबा इसका एक एग्जाम्पल है, ये बहुत मशहूर है। आप योगी कथामृत योगानंद परमहंस की पुस्तक है उसको देखेंगे, लहाड़ी महाशय के गुरु थे ये और वो अभी भी जीवित हैं। सर युद्ध भी तो रोक देते थे, वो कुछ भी कर लेते थे, कॉस्मोस की कुछ भी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं विदाउट सिन, विदाउट पाप और पुण्य। हम अटके हुए यार, काम नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, अटके हुए हैं। ये जो अटके हुए हैं यही भटके हुए हैं। क्यों? मैं कर रहा हूं, मैं कहूंगा, मैं इसे करने दो। देखिए होता क्या है, जब शुरुआत के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि भाई ऐसा एक स्टेशन बनाया जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनेंगी, यहाँ ट्रेन आएंगी, इसमें 10 प्लेटफॉर्म बनेंगे, फलाना ढिमकाना, ट्रेनें आएंगी, रुकेंगी, ये धुलाई की जगह होगी, तो सारा सिस्टम पैक होता है। अब उस नक्शे को लेकर के जो मेन मैनेजर होता है, मेन मुखिया जो होता है, वो लेकर के चला जाता है। अब जब वहां जाता है तो जाने के पश्चात नक्शे के हिसाब से बहुत चीजें होती नहीं। अब उसको ठेका मिला, करना तो यही है, इतने प्लेटफॉर्म बनाना ही है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को बनाते हुए पता लगा कोई मजदूर गिर गया, किसी जगह पता लगा नीचे पानी की लीकेज हो गई, किसी जगह पता लगता है कि भाई जमीन ही धस गई, तो बड़े सारे ना चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन वो खाका नक्शा उसका फिक्स होता है, वो अपने टाइम के अंदर 3 साल 5 साल में जो प्रोजेक्ट मिला है वो कहता है इस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा करना है और पूरा करके ये फिनिश पूरा रेलवे स्टेशन में तैयार करके दे दूंगा। ऐसे ही जब हमारे कार्मिक प्रोसेस में ऊर्जा रूप में मन हमारा नया जन्म लेता है तो उसका ना एक लेटर मिल जाता है, इसको शक्ति स्रोत को, लाइफ फोर्स को, एनर्जी को, कि ये खाका, ये नक्शा है, ऐसे इतना बड़ा ये पेपर ऐसे मिल गया, इसमें इसके जन्म के अंदर यहाँ चोट लगानी है, वहां ये बनाना है, नौकरी करेगा, उसमें थोड़े धक्के दिलाने हैं, फिर इसके पास इतना पैसा देना है, इसकी शादी करानी है, बच्चे फलाना ढिमकाना, पूरा नक्शा है भाई, इतने साल तक जिवाएंगे। तो ये कहता है ठीक है। अब यहाँ से एक फाउंटेन चलता है और ये पूरे शरीर को प्रवाहित करता है। अब जब तक कर्म करने लायक शरीर होता है, बच्चे के तौर पैदा होते हैं, इतने से बड़े होते होते वो कहता है भाई ठीक है आगे तेरा जीवन चलाऊं, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फेंकता है, बिजली का करंट। उस करंट के द्वारा शरीर के अंदर चुंबक पैदा होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अब हमारे साथ हो रहा है कौन हो रहा है, क्या कर रहा है कोई, यानी कि वो हो रहा है कोई। कौन है वो ये है, ये नक्शे के हिसाब से चल रहा है, 1 साल की उम्र में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 3 में ये। जब तक हमारे पास ऐसी मैं डेवलप नहीं हुई कि मैं भी करूंगा, मेरा काम मैं करूंगा, मुझे करना है, बेटा बड़े होके तू क्या बनेगा, मामा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। थोड़ी देर में देखा हवाई जहाज उड़ते हुए, बोला मामा मैं फाइटर जेट प्लेन चला लूं, बोले अच्छा बेटा चला लियो। 3 घंटे बाद उसने टीवी में पिक्चर देखी कि एक जेम्स बॉन्ड बना हुआ है, कहता मामा मैं जेम्स बॉन्ड बनूंगा। तो बच्चा पल प्रति पल खेलता जा रहा, जो बनेगा नहीं बनेगा इसको पता है क्या बनेगा, इसके पास खाका है, ये बनवाऊंगा तेरे को, अब तेरे को तमीज से चलना, मुझे करने देगा तो ठीक, तेरे को 35 साल में होटल का मालिक बना दूंगा, तो सिर फोड़ता रहेगा तो 65 में बना दूंगा, अगर तू फिर भी माथा मारता रहा तो तेरे चाचा गुजार दूंगा और वो चाचा तेरे को होटल गिफ्ट दे जाएगा, क्योंकि मुझे इस जन्म में तुझे देना ही है। अच्छा डिस्टर्ब करने से आपने 35 के 65 बोला, हाँ कि वो ये भी होता है, डिस्टर्ब करने से 35 का 65 कर देता है। अब हमारे साथ समस्या क्या बनती है, हम थोड़ा सा चेतना पकड़ते हैं, यार मैं कर सकता हूँ भाई, मेरा काम है। सबसे पहले पापा मम्मी कहते हैं तूने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, अरे यार कभी सिखाया जाता है कि इससे मिलो, भविष्य इसके पास सुरक्षित है, ये सोचेगा, ये सेट करेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में अथाह पैसा आया, और अथाह बीमारियां। ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में कोई धन नहीं, कुछ नहीं, और साला शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, कई तंदुरुस्त हैं। साधु क्या होता है? जो ये साथ लेता है कि यार ये मोह माया में जितनी माया लोगे उतनी ही पिटाई गिफ्ट साथ मिलेगी, इसलिए वो त्यागने में ध्यान रखता है। ये चार धारणाएं हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके पश्चात साधना। जब हम ये चारों चीजों को पकड़ते हैं योग में आता है। ये योगा जो है, योगा का मतलब है इन दोनों को एक कर देना। हमारे वेदों में कहा जाता है कि वेद किसी ऋषि ने नहीं लिखे, किसने लिखे पता नहीं, वो इसने लिखे। ये सबके अंदर बैठा है, इसको सब पता है, इसको एक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, ओमनिशिएंट, ओमनिसाइंट बोलते हैं कोई, यानी कि वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। जब व्यक्ति यहाँ टैप करना सीख जाता है तो उसको भविष्य ऐसे दिखने लगता है जैसे हम टीवी पे देखते हैं ना, एक पिक्चर देख रहे हैं, दूर का दृश्य नजर आ रहे हैं, वो यहां बैठे सब कुछ देख सकता है। इसे इंट्यूशन बोलते हैं, पावर ऑफ द थर्ड आई, शिव की शक्ति, तीसरा नेत्र। तो वो जानता है। ऐसे लोग होते हैं जो निकट भविष्य देखते हैं, यार ये डील ना ऐसे होगी, हो जाती है। कहते हैं मेरे हिसाब से यार ये ना इतने दिनों में इतने तरीके से ऐसे काम होगा, हो जाता है। अब ये जो भी ये सब जिसने ये किस्मत बनाई है या जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी हमारे ईश्वर है या परम है, जो भी है, काट रहा हूं, हमारी किस्मत किसी ने नहीं लिखी, हमारे कर्म अनुसार। जब उससे फिक्स जो 12% फिक्स आया ना, वो किसी अब उसको स्टेशन बनाने का मुद्दा दे दिया गया, वो अलग अलग ट्रैक बिछा रखे हैं उसने सारे में। अब और बिछा रहा है, बिछा रहे हैं ये कितने बड़े स्यापे में पड़े हो कि सबके में लिखने पर लगे पड़े हैं। हमने खुद लिखे हैं, ये किसी स्यापे में नहीं है। मुन्ना ने पहले ही लिख रखा है, इस जन्म में ये किया था, अगले में ये होगा। अब इस जन्म में मुन्ना को शरीर मिल गया और ये खाका मिल गया, इसको 12% फिक्स। मुन्ना का क्लेश क्या है? वो बीच बीच में व्यवधान पैदा कर रहा है। वो कहता है ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये कहता है जो मैंने करना है वो तो होना ही है। तो मुन्ना कहता है मुझे शरीर पे कब्जा चाहिए, मैं शरीर के थ्रू करूंगा पंगे। ये शरीर को 12% भोग के देता ही है, कुछ भी कर ये होएगा ही होएगा। मुन्ना नए कर्म ऐड करता है, कहता है ये भी कर लू, वो भी कर लू, ये 12 करा के ही छोड़ता है। और बाकी मुन्ना शरीर पे कब्जा करके शरीर का कितना नाश करे, प्लस करे, माइनस करे, वो इस जन्म पे। अगर मुन्ना को हमने सेट कराना सिखा दिया कि देख इधर, देख इधर, देख ये जो तार है ना बीच रास्ते में, कॉन्शियसनेस, चेतना, ये मैं हूं, ये है स्वयं, ये असली स्वयं है जो मैं वाला है। ये जो अहंकार है ना मैं करूंगा, वो यहीं वाला है, वो चेतना सिर्फ यहाँ काम कर रही है। लेकिन जब मैं क्लास से जाऊंगा तब तो मैं ही करने की कोशिश करूंगा कि इसको मैं ठीक करूंगा। हाँ, जो भी मेरे अंदर है, जो भी सही है, गलत है, अगर अहंकार से करूंगा तो यहीं पर रहता रहूंगा, और अगर कर लेने दूंगा इसे तो ये करके दे देगा। आप नए कर्म में बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हो। 12% तो फिक्स है, इस जन्म में आपको बिल्डिंग नहीं लिखी, ले लो, बना लो, बना देगा। पर उस बिल्डिंग से अटैच होगा तो पिटोगे। इस बिल्डिंग को इसको बनाने दिया, बन जाएगी, जो हो माटी ने बना दिया, माटी ले जाएगी। के पास जीन मैप पूरा है, 12% पूरा पता है, वो 12% नहीं, ये कह रहे हैं थर्ड आई के पास। थर्ड आई के पास नहीं है, थर्ड आई के पास जीन मैप नहीं। समझो ये जो भ्रमरंध्र है ये कान से 2 इंच अंदर है, या 2-2 इंच अंदर चले जाओ कान से, और ये आईब्रो के बीच में 3 इंच आगे अंदर चले जाओ, या सेंटर में ये सेंटर को अगर आप लेके चलोगे तो यदि मेरी नाक ऐसे होती जैसे क्रोकोडाइल की होती है, मगरमच्छ पीछे को जाती तो ये एस्केप कर जाता है, ये एस्केप कर गया, ठीक है। ये हमारे 5 ब्रेन के 3 हिस्से जो स्टेम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, उस हिस्से के आगे जो ये फालतू का ब्रेन बना ना, प्रोफ्रंटल लोब, ये यहां काम होता है। और इसके ठीक आगे है थर्ड आई, भ्रमरंध्र वो पॉइंट है जहां ये तीनों नाड़ियां आकर फ्यूज हो गई, ये तीनों नाड़ियां यहां के आगे फ्यूज हो गई ऐसे, ठीक है। ये फ्यूजन होने के पश्चात इसके ठीक आगे थर्ड आई है, पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र है, यहां से आज्ञा देता है, ये यहां से आज्ञा देता है। यहां पर इसकी खिचड़ी और ये सेंटर की शक्ति, लाइफ फोर्स, ये आज्ञा देता है, ये करना है। शरीर के अंदर तंत्र बने हुए ऐसे जाल, यहाँ जाल है बहुत जबरदस्त, ऐसे 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 ऐसे, किडनी, लिवर, हार्ट, फलानी जगह, हर जगह ये तारे जा रही है, बहुत बड़ा जाल है। और ये यहीं से निर्देशित करता है, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम, तुम्हें यहां जाना है, तुम्हें यहां चोट लगनी है, तुम्हारी यहां रक्षा होगी। ये जो कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है, ये निपटारा करके आपके जीवन में लाइफ फोर्स ठोक के रखेगा और आपका जीवन पूरा कटवाएगा। कई लोग 70 साल के होकर मरते हैं और 50 साल के बाद ही बेड पे होते हैं, उन्होंने नाश पीट लिया होता है, मरते नहीं फिर भी। प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी के थ्रू, मैं ये करवाऊंगा, वहां मैं वाली बात आती है। लेकिन अगर मुन्ना को ये ज्ञान मिल जाए कि तेरा 12% इतना है, क्यों छापे कर रहा है, वो चीज पता चलने के बाद भी वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। इन्होंने बोला मुन्ना अब पैदा हो गया इस जन्म में और पहले का खाका उसका इसके पास है और इस मैप के हिसाब से काम हो रहे हैं। तो मुन्ना अगर सेटिस्फाई हो जाए कि भाई अब कोई बात नहीं, खत्म कर, दफा कर, ये इतना मिलना है, खत्म, मुन्ना सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। मुन्ना को अगला जन्म चाहिए, उसे बार बार शरीर चाहिए, फिर तभी तो कार्नल प्लेजर्स, शरीर के थ्रू मिलने वाले आनंद, जो एक्चुअली मजा है, आनंद नहीं है, उस मजे में मुन्ना कहता है बैंकॉक जाना, खाना पीना, कपड़े चाहिए, इससे जलाना, उसे जलाना, इसे मारना है, मुझे कोई लेन देन नहीं। जब भी हम मुन्ना की बात कर रहे हैं ना, जब भी हम मुन्ना की बात करते हैं, हमारे शरीर में एक हार्मोन आता है कॉर्टिसोल, इसकी बात पिछले क्लास में हुई थी, टेंशन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, और ये हमारी जिंदगी की जेते ही फेरता है। 70 साल की जिंदगी कैसे जीनी है उसको रगड़ रगड़ सड़ सड़ कुड़ के लंबी मर्सिडीज में रुला रुला के कटाता है। इसके कपड़े देख लिए, उसका सामान देख लिया, उसका बैंक बैलेंस देख लिया, यूं ही रो रहे हैं, साला खूब खर्चा भी पूरा करा रहा भगवान, फिर भी रो रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हाय 1 लाख रुपए महीने से कम पहन देने, 1 लाख रुपए महीने का तो खर्चा है फिक्स, दे तो रहा है, जार जुगाड़ करने पहन दे, अब और जुगाड़, मंत्र बन गया जुगाड़, अब रो रो के होंगे। एक्सेप्ट, पहले एक्सेप्ट, मान जा भाई मान जा, ये है, होता रहेगा, एक्सेप्ट नहीं होता, कौन करेगा, ऊपर बैठा वो करेगा। जब ये कॉर्टिसोल सेक्रेट होता है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है, सीधा शरीर बीमार, दिमाग खराब, और इस शरीर के अलग अलग लिवर किडनी तंत्र खराब होना शुरू हो जाता है। जब ब्रह्मरंध्र काम करता है तब आनंद की फीलिंग आती है। हमारा कॉर्टिसोल थोड़ा घट गया, मुन्ना कहता है आहा मजा आ गया, वो फिर बन जाता है क्योंकि अब उसे कुछ और चाहिए। उसको कॉर्टिसोल जब जब बनता है बॉडी के अंदर तब तब मुन्ना कहता है अब कुछ मजा आएगा, अब जीतने का कुछ मजा है, अब उसके लिए कॉर्टिसोल ही किक बन जाती है, उसको टेंशन चाहिए। अब जिसका ब्रह्मरंध्र काम करता है उसके ब्रेन में बनता है डोपामिन। विष्णु सहस्त्र दल कमल पे 1,000 कमल के ऊपर विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए। वो क्षीर सागर क्या है? नेक्टर, नेक्टर, ये शहद का एक कुंड, अमृत कुंड है सिर में, यहाँ डायमिथाइल ट्रेप्टामाइन बनता है यहाँ। अब ये टेक्निकल चीजों में चले जाएंगे हम। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये बहुत सारे लफड़े हैं, 10 किस्म के होते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा मिली जुली सरकार के साथ शरीर में, ब्रेन में। प्लेजर सेंटर है, उसके ऊपर बड़े प्यारे स्त्राव देते हैं, बहुत सुंदर स्त्राव देते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूं जाता है, यूं समझिए कुछ एंजाइम्स है, कुछ लिक्विड है, वो शरीर में सेक्रेट होता है ब्रेन में, प्लेजर सेंटर। जैसे ही वहां जाता है खिड़च ऐसा महसूस होता है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है पता नहीं, छोटे बच्चों को होता है ऐसा, ओए सारा दिन हंसता रहता है, क्यों हंस रहा है नहीं पता, उसे नहीं पता है क्यों खुश है, उसे नहीं पता है कहां सोना है, उसे नहीं पता है, किसे पता है, वो ये चल रहा है और उसका जीवन सुचारू रूप से अपने आप। अगर वैसा बच्चा छोटा सा इतना प्रसन्न है और बड़ा व्यक्ति बच्चा बनना सीख जाए, ये एक्टिवेटेड रहेगा, सारी जिंदगी ऐश है। कई लोग ऐसे गंवार होते हैं, 50 साल 60 साल के लोग कहते हैं गधा है साला, पागल है, अकल ही नहीं है, पर बड़े सुखी होते हैं। और लोग जलते हैं। संसार का नियम समझिए, एक स्त्री ब्रेन है, एक पुरुष ब्रेन है। जैसे लड़की है, लड़की बड़ी सीधी है, कहते हैं ना हाय गाय है, बेचारी गाय है फूल कली चंदा मामा, कितनी प्यारी ये कन्या है, सुकुमारी। अच्छा लड़का है, देखा बड़ा अच्छा है, अरे साले सीधा गधे। लड़की सीधी है तो गाय है, लड़का सीधा है तो गधा है। अब मजे की बात सोचिए, लड़के का सीधा होना पाप है, वाकई पाप है, उसको समझदार होना प्रकृति मांगती है। ये पुरुष ब्रेन है। मुन्ना कहता है मुझे लॉजिक दो। मुन्ना किसी का मन है ना, आपका खून पी जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं अपने बच्चों को लाते हैं। कल एक पेरेंट्स आया अपने बच्चे की पिटाई कराने, बोले आ जा तू, वहां तेरी धुलाई कराएंगे, तेरे को समझ आएगा। वो बहस कर रहा था कि मैंने कोई स्टोन बताया, ये स्टोन बनाना। स्टोन्स की बात करते हैं, स्टोन्स काम कैसे करते हैं। फिर अद्वैत हुए तो फिर अब मेल और फीमेल का ये स्यापा क्यों डाल रहे हैं हम? नहीं, फीमेल का स्यापा तो डलेगा तभी तो बैंकॉक जाएंगे। कैसी बात ही कर रही हो भाई। एक मेल ब्रेन है, एक फीमेल ब्रेन है। अद्वैत एक मानसिकता है। ये शरीर में अद्वैत की कहानी द्वैत अद्वैत की नहीं बनेगी। ये शरीर है ही द्वैत। जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मरंध्र पे बैठा है शक्ति स्रोत्र, वो है अद्वैत। नॉट टू बट नॉट वन। दो नहीं है पर वो एक नहीं है। हाँ, ये पैराडॉक्स है, ये सिर में दर्द करने वाली बात है कि दो नहीं है जो चीज, पर वो एक भी नहीं है। किन्नर ही सबसे ज्यादा सुखी हुए। हाँ, सुखी हो, उनका आशीर्वाद। इन्होंने बोला किन्नर सुखी हुए, किन्नरों का आशीर्वाद लिया जाता है, इसीलिए ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। किन्नर का आशीर्वाद बहुत जरूरी माना जाता है। हमारे जीवन में जो ऊंची जात के लोग होते थे वो नीची जात के लोगों से ही सब कुछ करवाते थे। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करता। डोपामिन वो स्टेज है, एट द स्टेज ऑफ ऑर्गेज्म, वो जो 1-2 पल है वो बंदा आनंद ले लेता है, लेकिन वो विदाउट दैट फिजिकल एक्टिविटी हर वक्त उस डोपामीन की स्थिति में रहे, कॉर्टिसोल से बच जाएं। इन्होंने बोला है कि डोपामीन वो स्थिति है जब ऑर्गाज्म होता है, सेक्स किया जाता है और 2 मिनट के लिए माइंड शट हो जाता है। जैसे ही आपका माइंड शट होता है, ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन, बहुत सारे स्त्राव होते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह कई सारे स्त्राव होते हैं। जब वो स्त्राव होते हैं तो जीवन में लगता है बस सब समाप्त, कुछ नहीं रखा, आनंद है, ऑर्गाज्म हिट होता है। यही ऑर्गेज्म का एक सूचना दी गई है कि शिव भांग ले रहे हैं और नशे में, किसके नशे में पता नहीं। शिव एक नशे में पड़े हुए व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो नहीं है तो परम ईश्वर परम शक्ति, उसकी एक सिंबोलिज्म है। ऐसा नहीं को भांग पीते फिर रहे। उस पर हमने क्लास की हुई कैंसर एंड आई ब्रेन, लोगों ने कह रखा शिव तो नशेड़ी है, वो बकवास बातें हैं, वो धर्म के खिलाफ बोलने वालों का खेल है। वो बेसिकली यहाँ एक्सटेसी में रहना है कि आप एक्सटेसी में। इसे साधना कहते हैं, साधना, साधना इस ट्रांस, आप ट्रांस में चले गए। योगानंद ये रामकृष्ण परमहंस चले जाते थे ट्रांस में, माता के चले गए, काली माता, बस गए बेहोश। ट्रांस में जाते हैं यंग बच्चे, छोटा बच्चा ट्रांस में होता है, ये गुड़िया ले ली, खेल रहा है, टेडी बियर से बातें कर रहा है, तूने चाय पी ली, तूने लड्डू खा लिया, जो उसने खाना है पहले उसके मुंह पे लगाता फिर खुद खाता। ये ट्रांस है। ट्रांस म्यूजिक आता है, ट्रांस म्यूजिक भी आता है, ट्रांस म्यूजिक का स्यापा फंसा हुआ है।